विस्तार में जाएंगे तो बहुत विशाल है। तो चंद बातों में भी अपनी बात आप कह सकते हैं। जैसे अगर अंबेडकरवाद पे अगर बोलने के लिए आपको कहा जाए कि आप एक मिनट के अंदर अंबेडकरवाद समझाइए, तो आप कह सकते हैं कि भिड़न व्यवस्था के विरुद्ध अपने अधिकारों के प्रति भिड़ना ही अंबेडकरवाद है। यही अंबेडकरवाद है। सही बात के लिए अडिग रहना, लड़ना ही अंबेडकरवाद है। एक मिनट में भी कहा जा सकता है। बुद्धिमानों की बेईमानी और मूर्खों का त्याग दोनों समाज के लिए बहुत घातक होता है। हम तो इस नौजवानों को एक बात कहना चाहते हैं कि ये नौजवानों, आप देश में की तरक्की कैसे हो इस पे मंथन जरूर करिए, लेकिन अगर एजुकेशन आपका बेस्ट है तो आपको एजुकेशन सेक्टर में तब तक संघर्ष करना चाहिए जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और महीने में एक दिन समय समाज के लिए दीजिए, आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो परिणाम बहुत ही अपोजिट आता है। जो अपने बच्चों को ये मानते हैं कि समाज से दूर रख के हम बहुत बड़ा डिग्री हासिल करवा देते हैं और मेरा बच्चा सबसे महान हो जाएगा, हम लोग भी जाते हैं अधिकारी कर्मचारियों के पास, तो वो बार बार अपने बच्चे को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। एक मिनट भी आप एक साल उनके पास जाइए, लगातार आपको एक मिनट भी वो समय नहीं देंगे बच्चों को। तो किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में एक दिन भी प्रतिभाग नहीं करने देते हैं। अंतोगत्वा ये परिस्थितियां निर्माण होती है कि आप उसको सामाजिक बनाते बनाते असामाजिक तत्व में तब्दील कर देते हैं और अंतिम क्षण आता है तो बार बार उसी पिता और माता का मान मर्दन होता है जो कि उसके पास सामाजिक ज्ञान नहीं है, एकेडमिक ज्ञान जरूर है। तो इतना भी हमें ध्यान रखना होगा। महीने में एक दिन बच्चे को प्रेरित करिए, कोई अच्छा आपको ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी जगह जाना है जहां पे बौद्धिक और विधिक चर्चाएं हो, वहां जरूर लेके जाना चाहिए, जिससे वो सामाजिक जागृति भी उनके अंदर होनी चाहिए। और सामाजिक जागृति के साथ साथ देश और पूरे समाज के विषय में भी उसका चिंतन होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। ये युवा जो होता है ये मिसाइल होता है, लेकिन साथियों ये मिसगाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब इलाहाबाद में त्रिस्तरीय आरक्षण के मुद्दे पे जब डॉक्टर अनिल यादव जी ने अपना स्टेटमेंट दिया और जो संवैधानिक चीजें थी त्रिस्तरीय आरक्षण में उन्होंने लागू कर दिया, जब लागू कर दिया तो सर्वाधिक जो है बैकवर्ड क्लास के लोगों की भरमार हो गई उसमें, और जो फॉरवर्ड कैटेगरी के थे, जनरल कैटेगरी के, उनकी मेरिट बहुत नीचे थी और वो उनसे फाइट में आगे नहीं हो पाए। तो ऐसी परिस्थिति में मीडिया ने एक सहारा लिया, लिखा पहले दिन लिखा कि ये अहिर लोक सेवा आयोग है। तो हमारा नौजवान तुरंत बात समझ गया और उन्होंने लिस्ट जो निकाली 20-25 जो यादवों के नाम थे उसको सबसे पहले छाप दिया। और आंदोलन क्या होना चाहिए था, समस्त एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को एक साथ आंदोलन करना चाहिए इसके लिए, और नतीजा उल्टा हो गया। आंदोलन में सबसे ज्यादा यादव रह गए और अपोजिट में त्रिस्तरीय आरक्षण के विरोध में सबसे ज्यादा साथियों कुर्मी, काछी, पाल, ये सारे लोग मिल गए। फिर दूसरे दिन मीडिया ने निकाला ये यादव लोक सेवा आयोग है। जब ये निकाला तो फिर बैकवर्ड क्लास के लोग विरोध में ही विद्रोह करना चाहिए था, लेकिन साथियों त्रिस्तरीय आरक्षण के विरोध में भी वो समर्थन कर रहे थे और वो आंदोलन में प्रतिभागी हो गए।
तो साथियों इसका ये नतीजा था कि उनके अंदर बौद्धिक चेतना जो होनी चाहिए वो नहीं थी। बौद्धिक चेतना होनी चाहिए जो नहीं हो पाई, उसका कारण यह था कि वो पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं ले रहे हैं। जानकारी न लेने की वजह से समझदारी निर्माण नहीं हो पाई। अगर समझदारी आ जाती तो साथियों पूरी लिस्टिंग देखते, लिस्ट देखने के बाद उनको पता चलता एससी एसटी ओबीसी की माइनॉरिटी की सबसे ज्यादा सूची में नाम थे, तो उनकी जो आकांक्षाएं थी उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती और आंदोलन हमारा सही दिशा में चलता। इसलिए साथियों मैं आपको कहता हूं, एक संदेश देके ही आप अपनी बात समाप्त करूंगा कि युवा मिसाइल है, इसके पास ऊर्जा है, वो चेतना है, वो गर्मी है, लेकिन इसके अंदर समझदारी का अभाव होता है। समझदारी का अभाव तब आएगा जब विधिक और बौद्धिक क्षमता वाले लोगों के साथ बैठेगा, उठेगा, उसके सभाओं में जाएगा, तब ये मिसाइल वास्तव में टारगेटेड मिसाइल हो जाएगी। मैं इतना ही इस मौके पे अपनी बात कहता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय मूल्य।